अब हम ग्राइंडर मशीन के साथ जो है ना ये टीपें जो लगी हुई हैं जो गैस वेल्ड के साथ लगी हुई हैं वो ग्राइंडर के साथ जो है ना रगड़ेंगे, जो यानी कि ये गैस वेल्ड लगा हुआ है उसे उतारेंगे, ठीक है। तो फिर बाद में वेल्ड करेंगे। पहले हमने ग्राइंडर के साथ जो वेल्ड था वो काटा था, अब हम शैनी थोड़े की मदद से जो है ना ये टिप लगी हुई है इसे साइड के साथ आस्ता आस्ता उतार देंगे। अब फिर दूसरी वाली साइड पे जो है ना ग्राइंडर जो वेल्ड किया हुआ है गैस वेल्ड वो भी उतारेंगे, ठीक है। उतार के फिर आस्ता आस्ता जो है ना ऊपर हथौड़े की मदद से सट लगाएंगे। अब हम सट लगाते हैं, ये देखें उतर गई हैं टिप, ठीक है। एक उतर गई है एक रह गई है, ये देखें दोनों साइड की जो टिप हैं वो उतर गई हैं। अब हम इन्हें वेल्ड करते हैं टिपें उतार के, जो साइज़ करना है हमने 4 इंच या 5 इंच का, 4 इंच का भी वर्मा होता है और 5 इंच का भी, लेकिन हमने 5 इंच का वर्मा करना है। ये पहले 4 इंच का हो गया था, यानी कि जो है ना पत्थर जो काट काट के इस साइड पे लगा लगा के जो है ना इसका साइज़ कम हो गया था। अब हम इसे पूरे 5 इंच का करते हैं। अब जो है ना थोड़े की मदद से इसे जो है ना इसका साइज़ करेंगे। फिर अब दूसरे वाली साइड को जो है ना ऐसे ही करेंगे। अब शैनी की मदद से जो है ना इसे उतारेंगे। ये 3 फेस का वेल्ड हम कर रहे हैं, जो आम वेल्ड यानी कि सिंगल फेस का होता है वो नहीं चलता, क्योंकि यहाँ नीचे पत्थर आते हैं, तो इसलिए जो वेल्ड है वो हमें मजबूत करना चाहिए। फिर दूसरे वाली साइड को जो है ना अच्छे तरीके से पूरे 5 इंच का करते हैं। ये देखें हो गया है पूरा। अब हम इसे ठंडा कर रहे हैं। अब जो बीच में टिप वर्मा लगा हुआ है वो भी जो है ना ग्राइंडर के साथ आस्ता काट के साइड से जो है वो बाहर निकाल लेंगे टक लगा के। ये देखें टक लग चुके हैं, अब थोड़ी की मदद से इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखें निकल आया है। अब यहाँ पे टिप वर्मा लगाएंगे दोबारा, ये पहले वाला टूट गया था, ठीक है। ये देखें हमने निकाल लिया, जो पहले हमने वेल्ड किया हुआ था वहाँ पे अब जो है ना जो वेल्ड किया हुआ था वो रगड़ेंगे ग्राइंडर के साथ, ताकि जहाँ पे टिपे हमने लगानी है वो आसानी से यानी कि अपनी जगह पे बैठ हो जाएँ, यानी कि मजबूत हो जाएँ, वेल्ड अच्छे तरीके से हो जाए। तो पहले हमने कटाई वाली डिस्क जो है ना पहनी हुई थी ग्राइंडर पे, अब हमने जो है ना रगड़ाई वाली उसके साथ हम रगड़ेंगे, कटाई वाली के साथ नहीं रगड़ना, ठीक है। तो इसे अच्छे तरीके से यानी कि बराबर यानी कि काट लेंगे। अब यहाँ पे जो है ना टिप वर्मा लगाएंगे, ये पूरे 5 इंच का यानी कि हमने 15 काट दिया है, तो बीच में टिप वर्मा लगाएंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। और अब जो है ना टिप वर्मा लगाएंगे, अब हम इसे गैस वेल्ड करेंगे। पहले हम जो है ना टिपे रख के चेक कर लेंगे, ये देखें हमने टिप रख के चेक कर ली है। तो अब हम जो है ना इसे जो है ना मसाला डालेंगे गैस वेल्ड जो है ना, पहले हमने दूसरा वेल्ड किया हुआ था लोहा वेल्ड, अब हम इस पे ना जो है ना गैस वेल्ड करेंगे।
लोहे बेल्ट के साथ जो है ना टिप जो होती है नहीं चलती, तो अब हम इस पे गैस वेल्ड लगा के इसे जोड़ेंगे। पहले नीचे वाली जगह पे मसाला लगाएंगे ताकि अच्छे तरीके से मज़बूत तरीके से टिप जो है ना जुड़ जाए। पहले हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने दिखाया था कि वर्मे की कैसी हालत थी, जब नीचे पत्थर आता है तो ये ख़राब हो जाती हैं, फूट जाती हैं, नीचे ही रह जाती हैं। तो इसलिए हमको जो है ना अच्छे तरीके से ये जो है ना गैस वेल्ड जो है ना करना चाहिए। ये हमने टिप डाल दी हैं, अब हम इसे वेल्ड करते हैं अच्छे तरीके के साथ। पहले साइड पे करेंगे, अब दूसरे वाली साइड पे करते हैं। वेल्ड को अच्छे तरीके गैस वेल्ड को अच्छे तरीके से करेंगे कि ये टिप वाली नीचे वाली साइड पे जो मसाला है वेल्ड है यहाँ पे जाए। अब ये देखें चारों साइड से जो है ना इसको अच्छे तरीके से वेल्ड करेंगे। जो आप ज़्यादा वेल्डर नज़र आ रहे हैं वो सान पे जो है ना ले जाएंगे, तो तब जो है ना इसे रगड़ेंगे वहाँ पे जो है ना। ये पुराना वर्मा था, अब बिल्कुल आपको न्यू वर्मा लग रहा है, यानी कि इतना सफाई के साथ काम किया है। अब दूसरी वाली साइड पे भी वैसे ही टिप लगाएंगे जैसे पहले वाली पे लगाई थी। ये दोनों साइड पे हमने जो है ना टिपें लगा दी हैं। टिप है हमने लगा ली है, तो अब टिप वर्मा जो अंदर लगेगा वो हम लगाएंगे और आपको दिखाते हैं वो कैसे लगाते हैं। अपनी जगह पे बैठ जाए तो ग्राइंडर का निशान लगा लेते हैं और हम इसे काट लेते हैं। अब हमने जो है ना फ्राई वाली डिश पहनी हुई है, तो ग्राई वाली नहीं है ये, जो है ना ग्राई वाली नहीं है, एक फ्राई वाली डिश है। हमने गर्मा काट दिया है वहाँ पे, वहाँ से अब हम इसके अंदर जो है ना रख के चेक करते हैं। आप थोड़ी मजे से थोड़ा सा दबाएंगे, जहाँ पे टिपें लगनी है वहाँ से जो है ना गैस वेल्ड करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमने एक साइड से काट दिया, दूसरी साइड से कर रहे हैं। थोड़ी
काम हो गए मस्जिद बनाना ही है। ये हैं जी परमात्मा तैयार हो गया है बिल्कुल।